नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास भी एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले यूएन पोर्टल पे एक नया अपडेट आया है जिसमें अगर आप अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फुल एंड फाइनल कर रहे हैं चाहे एडवांस में कर रहे हैं, तो वहां पे एक आपके चेकबुक के स्कैन कॉपी को अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। बट मैंने इसके ऊपर आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही काफी इजी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे, लेकिन जब भी वहां पे ब्लैंक चेकबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करने जाते हैं तो वहां पे कई प्रॉब्लम आ रही है मेरे व्यूअर को, जिन्होंने मेरे को कमेंट करके और मुझे मैसेज करके बताया है। उनका कहना यह है कि जब भी मैं वहां पे अपलोड करता हूं तो वहां पे जो साइज है वो मैक्सिमम बता रहा है, बट जब मैं उसको रिड्यूस कर देता हूं तो उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही मतलब अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से मैं वहां पे अपलोड नहीं कर पाता हूं। यानी कि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है, आपका अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है वो बिल्कुल क्लियर वहां पे दिखना चाहिए, बट जब भी वो अपने जो चेकबुक है उसकी स्कैन कॉपी को रिड्यूस करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 50 KB से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। यानी कि 50 KB पे वो लाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफी डल हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे अपलोड करने में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की जो वीडियो है इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा और कैसे उसको साइज को रिड्यूस करना है, कैसे स्कैन करना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो चेकबुक की स्कैन कॉपी वहां पे अपलोड करनी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कैंसिल नहीं होना चाहिए, ब्लैंक चेकबुक वहां पे मांगा जा रहा है, आपने कैंसिल नहीं करना है, ब्लैंक चेकबुक वहां पे अपलोड करनी है आपने स्कैन करके। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऑप्शन आपको कहां आ रहा है और वहां पे वो क्या क्या कंडीशन आ रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन को कैसे फुलफिल करना है, कैसे अपने पास अपने चेकबुक को स्कैन करना है और उसके साइज को रिड्यूस करना है विदाउट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने यूनिफाइड पोर्टल में ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको चेकबुक की जो स्कैन कॉपी है वो कहाँ पे अपलोड करना पड़ता है अगर आप पीएफ को अप्लाई करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा पीएफ को अप्लाई करने के लिए हम ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और वहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म का पेज मेरे सामने ओपन हो चुका है। आपको पता ही होगा सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट मुझे वेरीफाई करना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट डालने के बाद। तो चलिए मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। 4 डिजिट डाला मैंने और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपने कर देना है यस। जैसे आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूएन नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ अपनी एडवांस पीएफ को ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप एडवांस में पीएफ अप्लाई कर रहे हैं या फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, दोनों में ही आपको अलग अलग अपनी चेक को अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट मेरे सामने पे यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे फॉर्म नंबर 31 ही आ रहा है क्योंकि मेरे इस यूएन नंबर में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। ये देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको पूरा फिल करने के लिए मैंने एक नई वीडियो मैंने पुरानी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कार्ट में ऐड किया हुआ है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पे आपको एक ये न्यू रो आपको रो यहां पे शो होगा जिसमें लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ब्लैंक चेक। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको ब्लैंक चेक को यहां पे अपलोड करना है अगर आप पीएफ को अप्लाई कर रहे हैं फुल एंड फाइनल या एडवांस में। तो यहां पे देखेंगे तो रेड कलर का स्टार है तो यहां मैंडेटरी है, इसको फिल किए बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन यहां पे लिखी हुई है कि यहां पे लिखा हुआ है कि आपके जो स्कैन ब्लैंक चेक होगा उसका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या JPEG होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मैक्सिमम साइज जो होना चाहिए 50 KB का होना चाहिए, इससे अगर आप ज़्यादा अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आपके जो स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो चेक ब्लैंक चेक की, उसमें आपका जो नाम है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है और IFC कोड बिल्कुल क्लियर होना
चाहिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो चेक है वो कैंसल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है ब्लैंक चेक, ठीक है, सिर्फ ब्लैंक चेक यहाँ पे डालना है, हर जगह ब्लैंक चेक लिखा हुआ है, कहीं पे भी यहाँ पे कैंसिल चेक नहीं लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपका जो चेक है वो ब्लैंक, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने चेक को कैंसिल करके नहीं करना है, सिर्फ ब्लैंक चेक को ही स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस कंडीशन को फुलफिल कैसे करना है, आपका JPEG और JPG फाइल फॉर्मेट कैसे बनाना है और उसको 50 KB का कैसे करना है। तो चलिए हम वो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें अपने ब्लैंक चेक को स्कैन करके रिसाइज करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है कैम स्कैनर, आप सभी को पता ही होगा कैम स्कैनर के बारे में। तो सबसे पहले मैं कैम स्कैनर के बारे में बता देता हूँ कि कैम स्कैनर से आपने कैसे इसको स्कैन करना है। तो चलिए सबसे पहले ये कैम स्कैनर का आइकन आप देख लीजिए, ये है कैम स्कैनर का आइकन, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने कैम स्कैनर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैम स्कैनर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बॉटम में आपको एक यहाँ पे आइकन मिलेगा कैमरे का, आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे मैंने अपनी चेकबुक रखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इस चेकबुक की आपने एक फोटो कैप्चर कर लेनी है। चलिए मैं इसकी फोटो कैप्चर कर लेता हूँ कैम स्कैनर से। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको कैम स्कैनर से फोटो कैप्चर करी तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है जितना मेरा चेकबुक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ मुझे जो पार्ट्स है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक राइट का ऑप्शन मिलेगा, आपने क्या करना है यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो चेकबुक है, जो आपकी चेक है ब्लैंक चेक, वो पूरी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो चेकबुक होगी उसमें आपका नाम, जहाँ की आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा नाम है, नाम, IFSC कोड, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा अकाउंट नंबर है मैंने हाइड किया हुआ है, बट आपने हाइड नहीं करना है, आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव होने के बाद आप इसको ओपन करके देख लीजिए। ओपन करके देखने के बाद आपने इसको क्या करना है, अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही टॉप पे जाएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप पे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन आ रहे हैं आपको, या PDF फाइल में आपने सेव करना है या इमेज फाइल में, JPG फाइल में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहां पे आपको कंडीशन में क्या आ रहा था कि आपकी जो स्कैन कॉपी होनी चाहिए वो JPG फाइल में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेंटर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा JPG फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेंटर वाला सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो JPG फाइल में यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी गैलरी में चलते हैं। ये देखिए मैं अपनी गैलरी को यहाँ पे ओपन करता हूँ। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, चलिए गैलरी जब ओपन करेंगे तो आपकी गैलरी कुछ इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे आपको पिक्चर नाम से एक आपकी आपका एक अलग से फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर नाम का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, इसमें आपकी जो स्कैन कॉपी है यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज देखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कंडीशन है कि आपका जो स्कैन कॉपी है आपके चेक ब्लैंक चेक की, उसका जो साइज होना चाहिए 50 KB होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। डिटेल में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसका जो साइज है वो दिया हुआ है 111.91 KB, ठीक है। तो मुझे इतनी इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, मुझे इस साइज को 50 KB से कम लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नई एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्यू रिड्यूस लाइट, ठीक है, इस नाम से एप्लीकेशन होगी। इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं और आइकन आप देख लीजिए, इस तरह का आइकन है, ठीक है, इस तरह का आइकन है, इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है
चूज फोटो, आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो स्कैन कॉपी यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ और ये स्कैन कॉपी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल साइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइल साइज यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी रिसेंटली इसका साइज क्या है, 119.91 केबी है। अगर आप केबी में देखते हैं और एमबी में देखते हैं तो 0.12 एमबी है। बट मुझे कितना साइज चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम 50 केबी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आपको जितना साइज चाहिए वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 50 केबी कर दूँगा। अब केबी में मुझे मांगा गया, अगर एमबी में मांगा जाता तो मैं एमबी कर सकता था, यहाँ पे केबी में की मांगा गया तो मैंने केबी कर दिया है। केबी करने के बाद नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने क्या करना है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपने कुछ टाइम तक वेट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी जो चेक ब्लैंक चेकबुक का जो साइज था वो रिड्यूस हो चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या साइज आ रहा था, पहले ये साइज आ रहा था, उसके बाद अब इसको कंप्रेस करके कंप्रेस साइज क्या आ गया है, कंप्रेस साइज मेरे को ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पे केबी में लिखा हुआ है तो मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम 50 केबी चाहिए था, उससे कमी चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 48.89 केबी हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको गैलरी में दिखाता हूँ ये कहाँ पे सेव हुआ है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी गैलरी ओपन करी, मैं यहाँ इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। इसको बैक करने के बाद ये देखिए क्यू रिड्यूस लाइट का एक यहाँ पे फोल्डर बन चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखिए, वो जो स्कैन कॉपी थी यहाँ पे स्कैन कॉपी जो है उसको रिड्यूस साइज करके यहाँ पे दे दिया गया है। मैं वो बता देना चाहता हूँ कि इससे आपका क्या होगा, इसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, आपका नाम भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आईएफएससी कोड भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और यहाँ पे अकाउंट नंबर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर हाइड किया हुआ है, बट आपने हाइड नहीं करना है। अब मैं इसका आपको साइज दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे साइज पे जाता हूँ तो यहाँ पे साइज क्या आ गया है, 48.89 केबी। तो अब इसको मैं इजिली वहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर लिया है, तो चलिए मैं वहां पे आपको एक बार अपलोड करके भी दिखा देता हूं कि बड़े ही आसानी से कैसे वहां पे अपलोड हो जाता है। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए फिर से मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ब्लैंक चेक बुक की जो कंडीशन थी, यहाँ पे जेपीजी फाइल होना चाहिए था, जेपीजी फाइल होना चाहिए था और मैक्सिमम 50 केबी होना चाहिए था, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए था, और ये जितनी भी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि अपने चेक बुक को कैसे स्कैन करना है और उसको रिसाइज कैसे करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी आसानी से यहाँ पर आपकी जो फाइल है, जो आपने स्कैन ब्लैंक चेकबुक बनाई है, वो कितनी आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे से पूछा जाता है कि सर यहाँ पे जो चेकबुक मैं स्कैन करता हूँ यहाँ अपलोड नहीं होती है, कभी मैक्सिमम साइज बताता है या कभी जब मैं स्कैन करता हूँ तो क्लियर नहीं आता है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप करेंगे तो आपका सारा कुछ सही रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको उसी सेम जो मैंने आपको बना के दिखाया है उसी को मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी रखी हुई है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये वही चेकबुक है जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे गेट आधार ओटीपी पे करके आप अपने क्लेम को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कितना सिंपल और कितना इजी था आपके ब्लैंक चेकबुक को स्कैन करना और उसके साइज को रिड्यूस करना विदाउट उसके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।